नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं BHU LLB एंट्रेंस 3 ईयर लॉ का जो पेपर हुआ है आज ही, उसका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। ये है आपके सामने सेट नंबर 2। सेट 2 है, जैसा कि आप कॉर्नर में देख सकते हैं, और इसका सेक्शन 1 पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। 1 से 5 क्वेश्चन तक के इस तरीके के हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस हैं इसके। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन 2 कहता है कि स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन 3 कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज इफ द डेटा इन द बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, कि राजन एंड मदन स्टार्ट फ्रॉम कॉमन पॉइंट एंड वॉक स्ट्रेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम एट द एक्सपायरी ऑफ 3 आवर्स। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि राजन एंड मदन वॉक एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। और दूसरा ये कहता है स्टेटमेंट कि मदन वॉक्स 1.5 टाइम्स फास्टर देन द राजन। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है यूजलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने नहीं होने से, हमारा पहला स्टेटमेंट ही आंसर निकाल देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन द टाउन। देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेसिडेंट्स एंड देयर आर 16 वार्ड्स विथ ईच वार्ड हैविंग एज मेनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वर्ड्स। तो दोनों स्टेटमेंट इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी विजिटर्स सॉ द एग्जीबिशन यस्टरडे। ओके, तो इसके भी दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो जरूरी हैं, और इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑलराइट, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड रॉबर्ट रीड ऑन संडे। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो जरूरी है आंसर करने के लिए, दैट इज वाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और पांचवा भी जो है कि व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ प्रशांत। तो इसके लिए भी दोनों स्टेटमेंट जरूरी है, एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट इन दिस केस। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। 6ठा से 10वां तक आपका जो है एक ही प्रश्न के उत्तर में है। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और इसी से हमने आंसर निकाल दिए हैं। अनीता, महिमा, राजन, लता एवं दीप्ति पांचों चचेरे भाई बहन हैं। अनीता महिमा से दोगुनी उम्र की है, राजन महिमा के उम्र का आधा है, अनीता दीप्ति के उम्र की आधी है, तथा राजन लता के उम्र की दोगुनी उम्र का है। तो इनमें से मैं इसी स्टेटमेंट के आधार पर आपको मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन देखते हुए कि लता की उम्र 4 साल है, राजन उससे दुगना है इसलिए वो 8 साल का है। इसके बाद महिमा 16 साल की है और अनीता उससे दुगनी है जो 32 साल की है, दीप्ति उससे दुगनी है जो 64 साल की है, ठीक है ना। तो दीप्ति 64 साल की हुई, अनीता 32 साल की हुई, महिमा 16 साल की हुई, राजन 8 साल की हुई, और लता 4 साल की हुई, ठीक है ना। तो अब हम पहला क्वेश्चन दिखाते हैं कि इफ द महिमा इज 16 ईयर्स ओल्ड देन व्हाट इज द एज ऑफ लता। तो लता चूंकि 4 साल की हो गई, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लेना है आपको, मैं आंसर बताता चलता हूँ। अनीता इज यंगर देन होम, अनीता इज यंगर देन दीप्ति, क्योंकि अनीता की उम्र 32 साल है, दीप्ति की 64 साल, 64 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन आर ऑफ द सेम एज। कोई भी नहीं, कोई सेम एज का है ही नहीं, सब एक दूसरे से बड़े छोटे हैं। हाँ, हु इज द एल्डेस्ट, तो दीप्ति सबसे बड़ी है 64 साल की। हु इज द यंगेस्ट, तो लता सबसे छोटी है 4 साल की। ऑलराइट, 10 क्वेश्चन खत्म हुए, ये थोड़ा सा इस मोड में है, आप देख लीजिए इसे कृपया करके। 11 नंबर क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, तो 1704, ऑलराइट 4 से डिवाइड हो जा रहा है इसलिए ये लीप ईयर है, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 4 छक्का 24, ऑलराइट 1704 जो साल है ये बिल्कुल ये है। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिएट, CREAT, विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। तो देख लीजिए, सी और ई के बीच में जो जितना गैप है, मतलब एक ही लेटर का गैप है, आर बीच में आया है और सी डी ई, डी के बाद ई आता है, तो एक ही पेयर ऐसा है जो ऐसा होता है, इसलिए ऑप्शन 1 जिसमें 1 लिखा हुआ है, दैट इज करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन
जो कह रहा है कि इफ द क्या, यदि निम्न शब्दों में से वर्णमाला में अवस्थित, ठीक है, ओविलोइड सबसे बाद में आएगा, ओ वी यू एल ई टी विल कम एट लास्ट। नेक्स्ट है 14th नंबर क्वेश्चन, इसमें इसको इंटरचेंज करके देखना है, तो माइनस एंड डिवीजन का साइन, ऑप्शन सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हेयर क्वेश्चन नंबर 14 में, ओके। नेक्स्ट है, देखिए सीधा मैं 24 पे आ गया हूँ, जिस तरीके से मेरे सीक्वेंस है आप देखते रहिएगा, ऑल राइट। इसमें है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, 2 है, 9 है, डैश है, 126 है, 217 है, 344 है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, और व्हाट है अगला, तो 4 का क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 65 वुड बी द आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट। फाइंड द मिसिंग टर्म, 6 12 21 48, इसमें 33 हो जाएगा, ऑल राइट, 33 वुड बी द आंसर, ऑल राइट। 6 12 12 9 और फिर 21 के बाद 21 में 12 जुड़ेगा, उसके आगे 15 जुड़ता है तो 48, इसलिए 33 होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये बड़ा आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, तो देख रहे हैं, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, एंड बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई रिलेटेड टू सी कैसे है, वो पुत्री है उसकी, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्या आएगा, यू एस पी एल जी, ए आएगा आपका 100%, मैंने बिल्कुल सॉल्व करके देखा है, ए इज 100% करेक्ट, ए इज मीन्स ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन 2 और अल्फाबेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट द सीरीज 20 19 17 डैश 5 10 5, तो इसमें 14 आएगा नेक्स्ट में, ठीक है ना। अब मैं 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कि क्या है ये, कि 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट, तो ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर वन, हाउ मेनी गेम्स वुड बी देयर, तो इसमें होंगे 8, ठीक है। कैसे होता है, एन माइनस, इसका फॉर्मूला है सीधा, एन माइनस 1 इंटू 2, 5 टीमें हैं, 5 बच्चे हैं, 5 माइनस 1 बराबर 4, इंटू 2 इक्वल्स टू 8। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगा करने में, थोड़ा सा ये ट्रिक ढूंढने में, और बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन 2 जो है, जी एस क्यू एन एम, दैट वुड बी द 100% करेक्ट। अब कैसे से मैं बता देता हूँ, देखिए एच हेल्थ जो देख रहे हैं ना आप, तो ये पीछे से उल्टा किया हुआ है, मतलब एच ई ए एल टी एच दिख रहा है आपका, एच लास्ट में है, मतलब टी एच लास्ट में है, कहने का मतलब उसी हिसाब से एच से पहले क्या आता है, जी, और टी से पहले क्या आता है, एस, उस सीक्वेंस में इसको बनाया हुआ है, उसी तरह नॉर्थ को सीक्वेंस बनाएंगे तो जी एस क्यू एन एम आएगा, राइट। कैसे, क्योंकि एन से पहले क्या आता है, एम, ठीक है ना, ओ से पहले क्या आता है, एन, राइट, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 2। हाँ, चूज द ऑड वन आउट, ये है चमगादड़, पिजन, क्रो एंड पैरट, तो चमगादड़ इसलिए होगा क्योंकि वो मैमल है, ठीक है ना, चमगादड़ पक्षी जो है वो जन्म देने के बाद बच्चों को दूध पिलाती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये अगला है, बोटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और कल का जो मैंने ये बताया था रीजनिंग का जो वीडियो लेकर आया हूँ उसको कृपया देखने की कोशिश कीजिए, उसमें ये कवर्ड है। कैटल हर्ड, ये भी कवर्ड है, 23 नंबर क्वेश्चन, कैटल के ग्रुप को झुंड, मतलब हर्ड बोलते हैं, शिप के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, राइट। 23 हो गया ये, हाँ आगे चलते हैं, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें आपको आगे संख्या भरनी है, 1 4 9 16 25 36 49, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, 88 टू द पावर 2, तो 64, 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर में बढ़ रहा है सीधा सीधा, z इक्वल्स टू 52, ए सी टी इक्वल्स टू 48, देखिए क्या है, z का नंबर क्या है, न्यूमेरिकल, अगर उसमें ज्ञात करते हैं अल्फाबेटिकल नंबर क्या है, 26, 26 इंटू 2 इक्वल्स टू 52, ए सी टी को जोड़ते हैं तो आपका आएगा 24, ठीक है, पोजिशंस ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, तो 24 इंटू 2, इसलिए आप बैट को जोड़ेंगे तो 23 इंटू 2 इक्वल्स टू 46, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 2018 एशियन गेम्स वॉज हेल्ड एट इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है ना। RBI increases the rate of interest in the situation of higher inflation. उच्च मुद्रा की स्थिति में जो है आपका ये RBI जो है इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देता है, राइट।
बैसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट? तो इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर. बैसल नॉर्म्स इज अ प्लेस, एक्चुअली इट इज देयर इन स्विट्जरलैंड. हाँ, तो बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है. 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर. 34 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन हैरड डोमर मॉडल पे. हैरड डोमर प्रारूप के ऊपर आधारित था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देख रहे हैं कि सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह कमेटी. ऑल राइट, और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं. ब्लैक पगोडा कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये कोणार्क जगह में. ब्लैक पगोडा जो है ये है आपका कोणार्क में, उड़ीसा में. राइट, एंशियंट भीमा देवी टेम्पल कहाँ है? तो ये है आपका हरियाणा में, एक जगह है पिंजौर, मैं गया हूँ वहाँ पे उस जगह पे. राइट, तो पिंजौर में है ये. वैसे भीमा देवी टेम्पल एक मध्य प्रदेश में भी है आपका, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हरियाणा आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस लोकेटेड इन मैसूरू. मैसूरू इज अ प्लेस इन कर्नाटका नियर बेंगलुरु, 3 hours फ्रॉम बेंगलुरु, एंड इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस. ये टिपू सुल्तान का जगह है और उनका यहाँ पे बहुत बड़ा किला भी है. आई हैव ऑल्सो बीन टू दिस प्लेस मैसूरू 3 times. 39th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो अ रीजन ऑफ डाइवर्स इकोसिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उस जगह को इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं, और हिंदुस्तान में बेसिकली 3 है ये. नेक्स्ट वन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन लेयर इज इनकरेक्ट. द ओजोन इज एन एयर पॉल्यूटेंट नियर ग्राउंड दैट डैमेजेस ह्यूमन हेल्थ. दिस इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन 2 जो है ये इनकरेक्ट है. 41 देखिए, द टॉक्सिडिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल लीड्स टू लीवर सिरोसिस. ये कॉपर के कारण होता है, कॉपर के कारण होता है, ठीक है. और हिंदुस्तान में खेतड़ी जगह है एक राजस्थान में, जहाँ पे बहुत सारा कॉपर पाया जाता है, आपको ये भी बता दूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाई वायरस. तो कोलेरा को छोड़ के सब वायरल डिजीजेज हैं. हेपेटाइटिस हो, चिकन पॉक्स हो, मिजल्स हो, सब के सब. विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड मलेरिया. मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है. ऑल राइट, और मादा एनोफिल मच्छर होती है इसके वाहक. द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड. उत्तकों से आने वाला खून जो है उसमें किस चीज़ का बहुलता हो जाता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ कल्हना. तो कल्हना का वर्क जो है ये राजतरंगनी है. राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड अ टाइगर रिजर्व विच इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ये है आसाम में. राइट, आसाम में जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. आई एम फॉरगेटिंग द नेम एट राइट नाउ, ठीक है, मुझे याद था. 47 की विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन हैज़ लार्जली रिप्लेस द ओजोन लेयर डिप्लीटिंग द हेलो अल्केन्स इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रिजर्स. तो ये मिथेन गैस जो है ये रिप्लेस कर रहा है इसे. नेक्स्ट वन इज की हु वॉन द इंडियन ओपन बैडमिंटन मेन सिंगल्स चैंपियनशिप 2019. तो इन्होंने किदम्बी श्रीकांत को हराया था. इनका नाम है विक्टर एक्सेलसन. डेनमार्क के हैं रहने वाले ये खिलाड़ी. राइट, 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट. 49 है कि एस अगेंस्ट ओट्स किसकी ऑटोबायोग्राफी. तो ये है सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं ये. क्वेश्चन नंबर 50 की विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वोन द सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप. तो ये है साउथ कोरिया हराया इंडिया को ही. राइट, फाइनल में. नेक्स्ट वन इज 50 और मलेशिया में ये होस्ट हुआ था. राइट, आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वन फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री. इसको पढ़ते हैं ग्रांड प्री. राइट, तो वेल्टेरी बोटास इसको जीते हैं. लेविस हैमिल्टन दूसरे नंबर पे थे. द कमीशन विच रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वॉज धर कमीशन, ठीक है ना. 52 नंबर क्वेश्चन. 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया कि द प्रोविजन फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एग्जिस्ट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही पार्ट है जो ये प्रोवाइड करता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का. नेक्स्ट वन इज कि US हैज डिसाइडेड टू एंड द डेजिग्नेशन ऑफ इंडिया एंड विच नेशन एज बेनिफिशियरी डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द GSP प्रोग्राम. तो ये इंडिया और टर्की को दोनों को ख़त्म कर दिया है US ने GSP प्रोग्राम के तहत. नेक्स्ट वन इज मरयूर जैगरी अ वर्ल्ड फेमस डेलीकेसी गॉट अ जोग्राफिकल इंडिकेशन
टैग रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट, तो ये है केरला में, राइट, केरला में, केरला से ये बिलोंग करता है, एक काइंड ऑफ गुड़ है जो कि पूरे विश्व में एक अपना रिकॉग्निशन बना गया। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर केरला होगा। 56 नंबर क्या करा है भैया, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड टू फॉर्म मेडिएशन पैनल टू रिजॉल्व द राम टेम्पल बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट केस, द मेडिएशन प्रोसीडिंग्स आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच सिटी, तो दिस विल बी टेकिंग प्लेस इन द सिटी फैजाबाद, जिसका नाम अब चेंज होके रख दिया गया है अयोध्या, लेकिन फैजाबाद इज द राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड द पद्मश्री 2019 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी, तो गौतम गंभीर को मिला है, ऑलराइट, इन सब में से, बाकी बहुत 13 लोगों को मिला है इनफैक्ट, लेकिन इसमें से गौतम गंभीर होंगे जो क्रिकेटर हैं, और आपको मैं बता दूं कि ईस्ट दिल्ली से इस बार एमपी का चुनाव भी लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, अतिशी उनकी राइवल है आपसे। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, तो ये है मोहम्मद अब्बास इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन। 59 नंबर क्वेश्चन की व्हेन द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2019 सेलिब्रेटेड, तो 10th मार्च, हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है लेकिन काफ़ी सर्च के बाद हमने 10th मार्च देखा है, तो दैट आई कंसिडर दिस आंसर टू बी करेक्ट। 59 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 एक देख लेते हैं ज़रा क्या है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया है, तो ये फ्रांस ने कहा है, ठीक है ना। विच नेशन हैज़ रीइटरेटेड इट्स सपोर्ट फॉर इंडियाज परमानेंट सीट इन रिफॉर्म्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये है फ्रांस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट 60 क्वेश्चंस, मुझे अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दैट इज़ व्हाई आई हैव मेड दिस क्वेश्चंस, ओके। अब अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न और अच्छा था, बहुत मुश्किल नहीं था, आसान ही था मैं कहूँगा, ऑलराइट, तो कट ऑफ जाएगी अच्छी खासी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली शेयर इट टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉड ब्लेस यू ऑल।